मैं सतीश जी आपसे शुरू इसलिए करना चाह रहा हूं कि ये जो भी मामला है ये मणिपुर के इर्द गिर्द हो गया है, अब ये मणिपुर से तो बाहर नहीं निकल रहा है। ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगता है कि जो जवाब मांगा जा रहा है मोदी जी से कि भाई मणिपुर पे, और सिर्फ जवाब ही नहीं मांगा जा रहा है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें स्पष्ट कर दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट का टोटल फेल्योर है और साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। मैं इस पे आपसे एक छोटी टिप्पणी ले लूं, क्योंकि अगर मोदी जी बीच में बोलेंगे तो हम लोग थोड़ा उनका भी दो चार मिनट सुनना चाहेंगे और फिर हम लोग वापस आ जाया करेंगे। सतीश जी, फर्स्ट राउंड मतलब ये जो राहुल गांधी का भाषण और उसके बाद उनके ऊपर एक आक्षेप कि उन्होंने फ्लाइंग किस किया और ये सब जो बातें, मतलब जो उल जलूल की बातें हैं, इन सारे उस पे एक आपकी संक्षिप्त टिप्पणी। सतीश जी, जी जब भी किसी के पास जवाब नहीं होते हैं उनकी पहली कोशिश होती है, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर ले। अच्छा, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, चलिए आ गई आवाज आ गई, चलिए बोलिए। जब भी किसी के पास जवाब नहीं होते तो पहली उनकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो एक डिफ्लेक्ट कैसे करें, और डिफ्लेक्शन जो है हमारी ये परंपरा, जो संस्कृति, जो बहस की परंपरा है, जो सत्ता पक्ष होता है वो ज्यादा वही करता है, सवाल उनसे पूछ जाते हैं, पक्ष तो नहीं करेगा। तो जो स्मृति ईरानी ने किया मुझे याद दिला दी, आप स्मृति ईरानी का हर वीडियो देखिए संसद में, जो चीख पुकार जो करती हैं, जिस तरह से बोलती हैं, उसे हम संस्कृति तो नहीं कह सकते। किसी भी, मैंने कोशिश की सोचती समझने की किस परंपरा में उनके जो स्टाइल है उसको संस्कृति माना जाएगा, वो जिस तरह से बात करती हैं उसमें तर्क कम होते हैं, आक्षेप ज़्यादा होते हैं, और उसे हम एक संस्कृति बहस की परंपरा में नहीं डाल सकते। उसे उनका एक तरीका है कहने का, वो ऐसा है जो मुझे लगता है काफ़ी गैर पार्लियामेंट्री है, और उससे हम बर्दाश्त क्यों करते हैं, सिर्फ इसलिए कि सत्ता पक्ष ही है, हमारे पास कुछ चारा नहीं है और हमारे जो स्पीकर साहब हैं वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो राहुल गांधी ने जो तमाम चीज़ें कही हैं उनसे एक बात बहुत साफ होती जा रही है, उनका हर अगला दिन पिछले दिन से कुछ ज़्यादा साफ होता जा रहा है। वो उनमें जो है, जो पहले देश का हृदय धड़कता था, अब उन्होंने अपनी हाथ नाड़ी पर रखती हैं, दोनों चीज़ें। जहाँ तक बात मणिपुर के समय बनने की, सवाल बनने की है, उसमें एक तो ये है कि राहुल गांधी ने उसको समझा, ये ज़रूरी है कि जब भी कोई ऐसी घटना हो जहाँ दो समुदाय भिड़े एक दूसरे के सामने, नेताओं का जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है बीच में आए और शांत करने की कोशिश करें। तो यहाँ जो मणिपुर में अभी जो इसको असफलता या विफलता या जिससे आप जो भी कह लीजिए, कई स्तर पे है। एक तो प्रशासनिक स्तर पे यानी गवर्नेंस के स्तर पे है, दूसरी लीडरशिप के स्तर पे है, तीसरी पॉलिटिक्स के स्तर पे, हर स्तर पे वहाँ फेलियर हुआ है। अगर सरकार के रहते हुए और जो सरकार वादा कर रही हमेशा कि हमने यहाँ राजनीति की दिशा बदल दी, कांग्रेस यहाँ कब से थी हट गई, हम आ गए, वहाँ पर जिस तरह घटनाएं हुई हैं वो सिर्फ इसलिए कि लोग कभी एक जमाने में आए थे तो हम ऐसा कर दें, उसके कई पहलू हैं, उन सारे पहलुओं पे, उनके सारे पहलुओं पे कहीं ना कहीं विफलता आई है। आप सुन पा रहे हैं ना? ओके फाइन। तो मेरा मानना यह है कि जो राहुल गांधी जो मुद्दा उठाया है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सिर्फ इस राजनीति करना चाहते हैं, जो आक्षेप लगाया जाएगा उनके ऊपर, ये राजनीति का मुद्दा है, इस पर सबको बोलना चाहिए। जो इस मुद्दे पे साफ इसका सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं उनको राजनीति में रहने की जरूरत भी नहीं है, या जो इसके ऊपर सत्ता की सभी बात कर रहे हैं वो जाहिर है कि जो देश की जो एक मुख्य धारा जो राजनीति की है उससे उस पर कुछ बोर्ड लाना चाहते हैं, जिसकी हमें जिससे बहुत नुकसान होगा आगे जाकर। ये वही कर सकते हैं जो गोधरा से जो परंपरा निकली है उसके चाहने वाले शायद जो मणिपुर भूरा उस तरह देखे, लेकिन कोई जो देश की राजनीति में जिसका मेन स्ट्रीम हिस्सा है उसकी जिम्मेदारी है कि इस पर बोले। तो मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वजह जो भी हो जो मुद्दा उठा रहे हैं बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि इसमें कई सारे सवाल आते हैं, गवर्नेंस का, कम्युनिटीज की स्ट्राइफ का, जो फैब्रिक हमारा है सोशल फैब्रिक का, जो और इसकी जो माइक्रोकॉस्म एक तरह से है, और इसकी जो संभावनाएं फैलने की है, गनीमत है कि नहीं फैला है,
लेकिन संभावनाएं बहुत ज्यादा थी कि वहां से मिजोरम जाता, नेगालैंड जाता, तो जो नॉर्थ ईस्ट को जो उसके जलने की बात शुरू हो जाती वो काफी खतरनाक होती। तो ये अच्छी बात है कि मेरा मानना ये भी कि कांग्रेस के आने से भी कुछ फर्क पड़ा है। आप एक जी सतीश जी आपसे इसलिए ले ले रहा हूँ क्योंकि वो रेलेवेंट है। वो होता क्या है कि इन द हीट ऑफ द मोमेंट वो बात निकल जाती है। ये जो फ्लाइंग किस का मामला है, ये स्मृति ईरानी जी उस फ्लाइंग किस पे बहुत बोल रही थी, हालांकि जो कांग्रेस की तरफ से एक निकला उसमें बता, उसमें साफ दिख रहा है राहुल गांधी स्पीकर से कुछ कह रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी सामने हैं, उनसे वो अधीर रंजन को हाथ से छू के उनसे कहते हैं कि किनारे हो, अधीर रंजन किनारे होते हैं और वो फिर कुछ ऐसे करते हैं। अब वो ऐसे करके क्या कहना चाह रहे हैं स्पीकर से, ये नहीं आया दूर से, लॉन्ग शॉट है। स्मृति ईरानी जी बाएं तरफ कहीं है, उनकी तरफ उनका मुंह भी नहीं है। अब स्मृति ईरानी जी कहते हैं कि उन्होंने ये फ्लाइंग किस दी और महिलाओं का अपमान किया। मैं थोड़ा एक छोटी सी चीज आपसे और पूछ लूं, आप चूंकि आपसे इस पे मैं पहले भी पूछ चुका हूं, मोदी जी जब विदेश जाते हैं और जो पिछली बार भी हुआ था लेडी प्रेसिडेंट का, जहां पे आप ही ने बताया था कि वो जो उसको क्या बोलते हैं कि जिसमें लेडी से हाथ मिलाते समय इट इज ओनली अ टच एंड देन यू रिमूव, पाम नहीं मिलना चाहिए, वो उनका पूरा हाथ एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से लेडी प्रेसिडेंट का हाथ पकड़ के छोड़ते ही नहीं है। तो स्मृति ईरानी जी को वो सब नहीं नजर आया था कि इसकी महिला का कितना सम्मान था। एक छोटी टिप्पणी इस पे, महिलाओं के सम्मान वाली बात पे, या ब्रजभूषण जी की बात पे कि वो ब्रजभूषण जी को मोदी जी कितना ठीक से रखे हैं, या किसी भी उस पे एक छोटी टिप्पणी, फिर मैं जिगर साहब आपके पास आ रहा हूँ। देखिये, जहां तक फ्लाइंग किस का सवाल है, किसी और को शायद दिखा नहीं, स्मृति ईरानी को एक बहाना चाहिए था कुछ कहने का, इस तरह उसको उन्होंने एक जगह इसके बना दी कि उनका जो एक भाव था उस पर फ्लाइंग किस की बात हो रही थी। लेकिन अगर मैं देखने आपको ले जाऊं, जब निक्सन ने हवाई जहाज से कहा था कि और हुआ फ्रेंच फ्रेंच को तोड़ दे, उनकी अंग्रेजी फ्रेंच अच्छी नहीं थी, तब उनके अंदाज में कुछ फ्लाइंग किस वाली बात थी। अगर आप फ्लाइंग किस को इस तरह देने का मतलब है, जिस तरह से स्मृति ईरानी कहती हैं, लगता है बस कुछ मुद्दा है ही नहीं है, वो मुद्दे खड़े करना चाहती हैं, डाइल्यूट करना चाहती हैं, उनका पर्पस दूसरा है, इसको पॉस्चरिंग कहते हैं। जब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो कुछ ऐसी बातें लाएंगे जिनका कोई महत्व तो नहीं है। और जहां तक आप पहले देख चुके हैं, जिस तरह हमारे माननीय सर्वप्रिय लोकप्रिय नेता जो बात करते रहते हैं हर चीज पे, जिस तरह वो गले लगते हैं, बिल्कुल अनडिप्लोमेटिक है, अनपार्लियामेंटेरियन है, जितने भी उनकी जो जितनी बातें करते हैं, जिनका जो व्यवहार है दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो हर तरह से देखे तो अनपार्लियामेंट्री या कम से कम एक समय समाज में ऐसा व्यवहार होता नहीं है। लेकिन लोग भारत के नाम पर कोई जगह दे देते हैं। मुश्किल ये है कि उनकी पार्टी में भोपू है, वहाँ ट्रोल्स हैं, वहाँ उनके नेता ऐसे हैं। आज तक मैं समझ नहीं पाया कि अपनी बात कहने के लिए स्मृति ईरानी को इतना चीखना क्यों पड़ता है। तो उन्होंने इसलिए नहीं कहा है कि ऐसा कुछ हुआ था, उन्होंने इसलिए कहा है कि उन्होंने एक बात को तूल दे दिया जिसका कोई महत्व नहीं था, और मुझे लगा नहीं कोई फ्लाइंग किस क्यों करेगा। अब उसने कह दिया है। अब देखें, भाजपा की जो एक स्ट्रेटेजी रही है, बात कुछ इस तरह से कहो कि लोग समझ सकें, और वो बात लोग समझ जाते हैं, और आप उसकी आलोचना करते रहें, उसको डिफेंड करते रहें। आपको डिफेंस में करना, डिफेंसिव बनाना, ये उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। किसी ने देखा नहीं जो अभी आपने कहा है, सब ने ये देखा कि स्मृति ईरानी ने यह कहा, लेकिन वो घटना हुई कि नहीं हुई उसका जिक्र कोई नहीं कर रहा है। सब कह रहे हैं स्मृति ईरानी ने कहा तो ऐसा हुआ होगा। यानी कि ये जो है राजनीति को एक एक ऐसे स्तर पर लाने की बात है जो बहस से अलग है, जो विचार से अलग है, जो जो संसद की जो क्या कहते हैं जिम्मेदारी है, उससे कुछ अलग रास्ता पकड़ने की बात है। और स्मृति ईरानी आज से नहीं कर रही हैं, उनकी उनका एक पैटर्न है बना हुआ। उनके आप हर भाषण को देखिए, जिस तरह चीखती चिल्लाती हैं, मुझे समझ नहीं आती क्यों करती हैं ऐसा। उनके पास कोई तर्क नहीं है क्या? वो सिर्फ उनकी आवाज़, उनकी निगाहें कैमरे पर होती हैं, उनका हाथ और उनका चेहरा देखिए आप। ऐसा क्यों कर रही हैं? ऐसा मुद्दा क्या था? जो लोग समझदार होते हैं, हम आपको पीछे ले जाएं, एक ज़माने में बहस होती थी, उसमें लोग बात सोच के बोलते थे, उसमें जैसे अटल जी करते थे उसमें व्यंग होता था, एक मतलब ऐसा सोच समझ की बात कही जाए, वो अटल जी के जमाने में होती थी। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, हमारे नेता हैं, वो अलग तरह से बात करते हैं, वो अपना भाषण पढ़ते रहते हैं। लेकिन स्मृति ईरानी जो है वो आई हैं फिल्म की दुनिया से, आमतौर पर पीछे डायरेक्टर होता था, आज के लोग खुद ही अपनी फिल्म डायरेक्ट करती रहती है,
वहां पे वहां मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वहां कोई फिल्टर नहीं है, उनको कोई डायरेक्ट डायरेक्शन देने वाला नहीं है वहां सामने, तो अपनी तरह से कुछ कहती रहती है। लेकिन यह है कि उनकी आवाज भी जरूर जोश है, उनकी आवाज उनको पहुंचती है, तो झूठ बोलेंगी तो भी लोग शायद कहेंगे उन्होंने ऐसा कहा था, तो उसको तो वो उनकी भूमिका है आज की भाजपा में, और वो भूमिका जो है उसका इस्तेमाल ठीक से किया जाता है, और दूरदर्शन टीवी उसका इस्तेमाल करता है, जो भी सरकारी तंत्र उसका इस्तेमाल करता है। तो जब कुछ ना हो उनसे कुछ कह दीजिए, कुछ कहने के लिए उनकी ये आज भाजपा में भूमिका बन गई है। तो मैं कहूँगा जहाँ तक जो मैंने देखा उसके हिसाब से कुछ लगता नहीं था, कुछ ना हो उससे कुछ कैसे बनाना है ये उनकी भूमिका है। माफ कीजिएगा जय, नहीं नहीं मैं एक एक और छोटा सा एक प्रश्न है सतीश जी, उन्होंने जी। टर्म यूज किया मिसोगायनिस्टिक। अब ये जो मिसोगायनिस्टिक है ये बहुत आम भाषा का प्रश्न नहीं है, ये कुछ या तो शशि थरूरी समझ सकते हैं या स्मृति ईरानी जी जो बहुत क्वालिफाइड है वो समझ सकती है। ये आम मेरे जो कम से कम समाज में रहता हूँ मिसोगायनिस्टिक पहली नजर में मेरे वो अंग्रेजी नहीं समझ सकता है। मिसोगायनिस्टिक का मैंने जी वो तो अच्छी बात इसलिए है कि लोग समझेंगे नहीं क्या होता है मिसोजिनी, उसे मिसोजेनिस्टिक कहते हैं, जो लोग समझेंगे नहीं मिसोजेनिस्टिक, अब कहीं पता नहीं क्या बात हो गई है। लेकिन मिसोजेनिस्टिक का नहीं, और उसका सतीश जी मैं एक मिनट पूछ लूं आपसे, उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो कहता है कि हेट्रेड ऑफ और कंटेम्प्ट फॉर और प्रेजुडिस अगेंस्ट वुमेन्स और गर्ल्स। तो जो ये हमारे मोदी जी जर्सी गाय कांग्रेसी विधवा 22 क्या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये उस डेफिनेशन में आएगा कि नहीं आएगा मिसोजायनिस्टिक? देखिए जितनी भी इस तरह नरेंद्र जी ने कही हैं पिछले 20 सालों में वो मिसोजिनी का हिस्सा पूरी तरह से बन जाती हैं। जो अगर ये कह भी दिया, फ्लाइंग किस भी किया गया, तो फ्लाइंग किस को मिसोजिनी कह, उसको रोमांस कह सकते हैं, उसका उसे मजनू कह सकते हैं, उसको मिसोजिनी नहीं कहते। मिसोजिनी होता जब आप अवहेलना करें किसी को, आप किसी के प्रति आप घृणा हो या उसको बहुत नीचा समझते हो, उसे मिसोजिनी कहेंगे। मिसोजिनी होता है कि हम उनको अपने से नीचा समझते हैं, उनसे उनके खिलाफ हैं, उनका बुरा चाहते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जो स्मृति ने कहा वो सही भी है, उसे मिसोजिनी नहीं है, उसे मजनूपन हो सकता है। तो आप जानते हैं राहुल गांधी मजनू बन ही नहीं सकते, तो वो तो उसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। तो मिसोजिनी तो बिल्कुल ही बाहर है, उसका ये लगता है कि उन्होंने शिक्षा ठीक से पाई नहीं, उनको इस शब्द का मतलब पता नहीं है, उन्होंने कोई शब्द का इस्तेमाल कर दिया। देखिए मिसोजिनी का अर्थ सीधा यह है कि जो नारी से द्वेष जिसका हो, जो नारी को हीन मानता हो, जो नारी के विरुद्ध काम करे। इसमें ऐसा क्या है, अगर आपको मान लीजिए उन्होंने फ्लाइंग किस किया होता, बड़ी अच्छी बात है, राहुल गांधी आपको फ्लाइंग किस बेच रहे हैं तो इसमें कोई मिसोजिनी बिल्कुल नहीं है। जी आपसे जरा एक चीज और समझ लूं, मुझे ठीक से याद है 89 में जब सरकार वीपी सिंह की बनी तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब को कश्मीरी अपने रेल मंत्रालय के साथ साथ कश्मीरी मामलों का मंत्री भी बनाया गया और जॉर्ज वहां जाने लगे। और ये मैं पर्सनल जानकारी के हवाले से सारी बातें कर रहा हूँ। जब जॉर्ज वहां जाते थे तो जॉर्ज साहब की जैसी आदत थी वो उन आतंकवादी ग्रुप के साथ भी उनका इंटरेक्शन होने लगा था, क्योंकि जॉर्ज साहब का ये मानना होता था कि भाई बात अगर चर्चा होनी है, सोल्यूशन निकलना है, तो आपके सारे स्टेक होल्डर, वो चाहे आतंकवादी हो और वो चाहे आतंकवादी ना हो, आपको बात तो सबसे करनी पड़ेगी। खैर ये उनका नजरिया था, सही था गलत था मैं हम उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे। जौहर साहब सबसे बात करने लगे और एक बार तो ऐसा हुआ कि चूंकि रेलवे के भाई मंत्री थे, मीटिंग चल रही थी, 4 बजे स्लिप कर गए थे और अशोक को लेके गए थे, अशोक और अशोक से अशोक का ये अपना हुआ अशोक सुब्रमण्यम इनका जो टाइपिस्ट था, ये दोनों लोग गायब हो गए। और जौहर साहब दूसरे दिन सुबह अवतरित हुए, ये हुआ कि भाई ये 14-15 घंटे कहाँ थे, वो तो किसी मस्जिद से होके कोई क्या मालूम नहीं कहाँ कहाँ है, किसके किससे किससे बात कर रहे थे। और ऐसा जौहर साहब को जितने हम सब लोग जितने लोग जानते हैं, जौहर साहब हरदम दिल से ये बात काम करते थे। मुझे ठीक से याद है एल के अडवाणी पीछे लगे, एल के अडवाणी उस समय मतलब बीजेपी सपोर्ट करती थी, अडवाणी जी जिंदा है ये अडवाणी जी से पूछा जा सकता है। अडवाणी जी के इंसिस्टेंस से जौहर साहब उस दिन भुवनेश्वर गए हुए थे, मुझे याद है जगमोहन जी को, वो जनवरी का कोई दिन था, मैंने याद जनवरी में जगमोहन जी को वहां का गवर्नर बनाया गया और जौहर साहब से वो कश्मीरी मामलों का मंत्रालय लेके खत्म कर दिया। ये मुझे, और जॉर्ज उनको आहत थे, उनको बुरा लगा था, उनको लगा था कि भाई अगर आपको मुझसे काम लेना था तो आप उससे कह दिए होते, क्योंकि वीपी सिंह के प्रति उनका बहुत समर्पण का भाव था। मैं जरा एक छोटी टिप्पणी आपसे सतीश जी इस पे भी जरा कर लेना चाहूंगा कि ये
कष्ट को हम लोग हरदम मिसरूल करते हैं, हरदम ये करते हैं वो मुसलमान है और वो है कांग्रेस का है, ये किया दिया तो सब बीजेपी का है। बिल्कुल, अगर आप इसको देखें जितनी भी मुश्किलें आई हैं जब वाजपेयी जी थे तब हुई, जब जब भी बीजेपी का पलड़ा भारी था तब हुई, और आप देखा हो जब जब होम मिनिस्टर की बेटी को उठा लिया गया उन लोगों ने, जब उस तरह की बातें हुई, यानी कि जब हमारा जो अनुभव था उस समय कि बीजेपी का मानना था कि उनको गवर्नेंस की जो एक्सपीरियंस बहुत कम था, उनमें क्षमता थी, इंटेलिजेंस था, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी थी, लेकिन गवर्नेंस की जो उनकी तब तक एक्सपीरियंस थी काफ़ी कम थी। एक तो ये, दूसरा ये कि जो ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कांग्रेस ने संभाला जब तब तक संभाला। मैं देख रहा था 1980 से जो हमारे साथ एक सुमेर कॉल थे तमाम इंडियन एक्सप्रेस में और तमाम लोग आया करते, एक पंडिता साहब थे, ये लोग अब बिना कश्मीर की बात किए मेरा कोई दिन पूरा नहीं होता था। उसमें बात समझ यही आती थी कि ये मामला हम लोगों ने हमेशा कॉम्प्लिकेट करते रहे इसको, ये ऐसी स्पेगेटी बनी है, इसको सुधारने के लिए कुछ वाकई बड़ा काम करना पड़ेगा। लेकिन जो सर्जरी उन्होंने की सरकार ने, उससे बात सुलझेगी नहीं, क्योंकि अंत में जो लोग हैं उनके ऊपर आपको उनको साथ लेके चलना है। ये जो प्रवृत्ति है लोगों की कि हम शासन करेंगे, सारी मुश्किल वहां से आती है, हम जिनके लिए हैं उनको साथ लेके चलें, कोशिश करें साथ लाने की, उसका हल निकालने की, ये कोई नहीं करता। जब हम सरकार में आते हैं तो हमें एक राज प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, हम राजा बन गए। अगर राजा की तरह देखोगे तो ये चीज़ हल नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी में कोई भी सॉल्यूशन जो होता है राजा की तरफ बनकर नहीं होता। अब जब हम गवर्नर बनते हैं तो हमारी सीमाएं हैं, हम चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां हैं। गवर्नर की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं लेकिन सीमाएं बहुत ज़्यादा हैं। चीफ मिनिस्टर के पास क्या होता है, वो चुन के आता है तो उसके पास काफ़ी लेवरेज भी रहता है। अगर दोनों मिल के एक सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करें तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन फारूक साहब जो थे, जिसने उनको देखा है, वो भी राजा बन गए थे। फारूक, उनका जो फैसला होता था उसमें लोगों को जोड़ने का नहीं भरमाने का फैसला होता था, उनकी व्यक्तित्व ऐसा उनका था, वो शेख अब्दुल्ला की तरह नहीं थे वो। अच्छा, मेरा जो पहला परिचय हुआ प्रोफेशनल अपने जो राजनीतिक जीवन में, वो इत्तफाकन शेख अब्दुल्ला के साथ 3 घंटे बिताने से हुआ वो भी अपने आप में कहानी थी। उनसे जो मैंने काफ़ी कुछ सीखा एक व्यक्तित्व का नाम से, वो ही वॉज वेरी टॉल फिगर हर तरह से देखो तो। फारूक वो बात नहीं थी, वो अपने आप जो थे काफ़ी मान लीजिए कि रंगीन भी थे और कुछ बादशाहत भी उनमें आ गई थी, तो ये परेशानी थी, लीडरशिप परेशानी थी। तो कश्मीरी परेशानी लीडरशिप की रही है, जब मुफ्ती आई तो उनकी परेशानी थी कि वो लीडर है ही नहीं है, वो भी वो बेसिकली एक डायनास एक तरह से हो गई, फारूक भी डायनास हो गए, इनमें कोई लीडर ऐसा निकला नहीं। तो बिना लीडर कश्मीर की समस्या हल होने वाली नहीं है। और आप जो बात कह रहे हैं, वो जगमोहन बहुत छोटे आदमी थे अगर लीडरशिप की बात देखें तो, उनमें लीडरशिप बिल्कुल थी नहीं, वो गवर्नर हो गए। फारूक साहब जो थे लीडर बने नहीं, वो बेसिकली जायनास थे। तो ऐसे में जब तक कि कश्मीर अपना अपना एक लीडर नहीं निकालता, अच्छा पंडितों की बात उनकी बहुत कम, छोटी आबादी उनकी है, लीडर उनका नहीं हुआ तो कौन बनेगा। तो ये जो सवाल बन गया, ये बहुत बड़ी स्पेगेटी है जो हमारे और आपकी दूर से देखने से उसका हल होने वाला नहीं है। हमने कुछ लोगों से मुलाकात भी की जो नेता थे रेजिस्टेंस के वहाँ के, या अपोनेंट्स थे जो कि जिनको कई बार टेररिस्ट कहते हैं, कई बार ये कह दीजिए कि वो जो आतंकवादी दल कहते हैं, जो भी कहते हैं, उन लोगों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं हम तो हमेशा सुलह चाहते हैं लेकिन जिस जिन शर्तों पर चाहते हैं वो तो हो ही नहीं सकती। तो इतिहास को हम भूल सकते हैं अगर मुझे भूलने का मौका दिया जाए, लेकिन जनता नहीं भूलती इतिहास को। उनको ये सब सब जिनसे मेरी बातें हुई हैं, सब मिलके बैठ के सुलह चाहते हैं। लेकिन जो आईएसआई वाली बात थी, आईएसआई वो तंग करती रहेगी। अगर आईएसआई की बात को आप डालोगे हमारे अपने विरोधियों पर, अपने नेताओं पर, तो हल कैसे निकलेगा। तो सरकार ने गलती ये की है कि जो हमारे जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे जिनकी अपनी मांग है, उनको उन्होंने जोड़ दिया आईएसआई से। अगर ऐसा करोगे तो फिर कोई सुलह कैसे होगी। तो यानी कि कश्मीर का जो पूरा मसला है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उस हद तक मैं आज की तारीख में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। इसके अलावा कि जहाँ भी जब भी मैंने देखा तभी एक किरण भी दिखती, आशा किरण दिखती थी, लेकिन जो लोग काम कर रहे थे उसमें उतने इन्वॉल्व नहीं थे, वो उसको देखते थे पैचवर्क की तरह, आज कैसे निकालो, कोई लंबा सोच नहीं रहा था। अगर आपको याद हो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बनाई थी कमेटी, उसमें जो इंडिपेंडेंट लोग थे, दिलीप पदगांवकर भी था, हमारी वो
लवराज की बेटी भी थी, ये लोग गए वहां, राधा कुमार भी थी, ये लोग गए। अंत में इन लोगों ने कहा कि कुछ नहीं कर सकते हम लोग, यही उनका नतीजा निकला। भेजा गया था आप पता करो, पीपल्स कमेटी भेजी गई, लेकिन पीपल्स कमेटी भी खाली चली आई वहां से। तो कहीं जो बात है उस हद तक उलझ गई है, इसके लिए एक बड़ा नेता चाहिए, वो नेता हमें कुछ दिख नहीं रहा है।